पूरे देश में इलेक्टोरल बॉन्ड की चर्चा हो रही है, विपक्ष इसे घोटाला बता रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को जब कई बार फटकारा, उसके बाद से जाकर के एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा ब्यौरा चुनाव आयोग को सौंपा और अब चुनाव आयोग ने उसे पब्लिश कर दिया है। लेकिन ये जो पूरा मामला है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड का ये जो पूरा मामला है, उस पर तरह तरह की राजनीति भी हो रही है। विपक्षी पार्टी इसको घोटाला बता रही है, तो अगर ये घोटाला है भी तो वो कौन लोग हैं जिन्होंने इसका पर्दाफाश किया है, वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस पूरे जो प्रकरण है, पूरा जो घोटाला कहिए आप, तथाकथित घोटाला है, उसका जो सच है किन लोगों ने सामने लाया, ये वो नाम है। और इन सभी का जो ताल्लुकात है वो एडीआर से है। एडीआर लगातार चुनावी खर्च के ब्यौरे की जानकारी रखती है। एडीआर अपने वेबसाइट पर चुनावी हलफनामे से लेकर के सारे नेताओं के जो चुनावी हलफनामे होते हैं उसका भी पूरा ब्यौरा रखती है। लेकिन उससे पहले ये जानना पूरा जरूरी है कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड पर इतना हंगामा क्यों हो रहा है और इसकी पूरी कहानी की शुरुआत क्या होती है। तो दरअसल आपको बता दें, भारत सरकार ने 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की घोषणा की थी। उस समय नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री थे और उन्होंने ही इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की घोषणा की थी और 29 जनवरी 2018 को कानूनन तौर पर इसे लागू किया गया था। अब आपको मजेदार बात यह भी बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई की चुनिंदा कोई भी शाखा से जाकर के खरीद सकता है और किसी भी राजनीतिक दल को जो उसकी अपनी पसंद की हो उसको गुमनाम तरीके से दान कर सकता है। मतलब अगर वो पैसे दे रहा है तो उसका नाम सार्वजनिक अक्सर नहीं होता रहा है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जिसके पास अपना बैंक है वही खरीद सकता है, केवाईसी की जानकारी उपलब्ध हो। इलेक्टोरल बॉन्ड में भुगतानकर्ता का, जैसा कि हमने आपको बताया, कि नाम उजागर नहीं होता है और योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक की निर्दिष्ट शाखाओं से 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1,00,000 रुपए, 10,00,000 रुपए और 1,00,000 रुपए में से किसी भी मूल्य के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं। मतलब कितने पैसे का आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं कोई पर्सन हो या कंपनी हो और फिर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को देती है और पॉलिटिकल पार्टी उसको भुना लेती है एसबीआई के जरिए, तो उसको एक तरह से चुनावी चंदा मिल जाता है। और इसी को लेकर के ये पूरा बवाल हुआ और ये तरह तरह के सवाल उठने लगे कि क्या अपने आप में ये एक भ्रष्टाचार है, क्या ये घोटाला है। और इसी का पर्दाफाश करने में इन 8 लोगों ने अहम भूमिका निभाई है। आईआईएम अहमदाबाद से ताल्लुकात रखते हैं, एडीआर के ये लोग मेंबर हैं, तो इनके नाम बता देते हैं। सबसे पहला नाम है त्रिलोचन शास्त्री, जो कि प्रोफेसर हैं आईआईएम अहमदाबाद में। जगदीप शोकर भी आईआईएम अहमदाबाद में प्रोफेसर हैं। सुनील हांडा विजिटिंग प्रोफेसर हैं, ये भी आईआईएम अहमदाबाद में पढ़ाते हैं। अजीत रानाडे ये भी प्रोफेसर हैं, आईआईएम अहमदाबाद में पढ़ाते हैं। ब्रिज कोठारी भी प्रोफेसर हैं, आईआईएम अहमदाबाद में पढ़ाते हैं। देवनाथ तिरुपति ये भी प्रोफेसर हैं और आईआईएम अहमदाबाद में पढ़ाते हैं। पंकज चंद्रा भी प्रोफेसर हैं और आईआईएम अहमदाबाद में ही पढ़ाते हैं। राजेश अग्रवाल भी प्रोफेसर हैं और आईआईएम अहमदाबाद में ही पढ़ाते हैं। मतलब ये वो 8 नाम हैं जिन्होंने 2018 से पूरी खोजबीन की, पूरा रिसर्च किया कि आखिर इसके पीछे का खेल क्या चल रहा है, किस तरह करोड़ों रुपयों का ये जो काला खेल है इसका खेल रचा जा रहा है। तो इन लोगों ने मिलकर के उसको रिसर्च किया, बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने ऐन वक्त पे एसबीआई से कहा कि भैया आप डिटेल दीजिए, चुनाव आयोग को आप डिटेल सौंपिए, और चुनाव आयोग से कहा कि आप इसको जो है अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करिए, जिससे देश की आम जो जनता है, जो देश का मतदाता है, वोटर है, उसको ये तो पता लगे कि किस पार्टी को ये जो योजना है इसके तहत कितने पैसे मिल रहे हैं। क्योंकि अक्सर राजनीतिक पार्टियां लगातार पारदर्शी चुनाव की बात करती हैं और जो एकदम धन उगाही इस तरह अलग तरीके का होता है उसको कंट्रोल करने की बात करते हैं चुनाव में, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के अब चर्चा हुई और अब ये नतीजा सामने आया है। इन 8 लोगों ने, अगर आज जनता को ये पता लगा है, देश के सामने ये बात निकल करके आया है कि किन कंपनियों ने किस पार्टी को पैसा दिया है, तो इन 8 लोगों की वजह से ही देश के सामने ये सच निकल करके सामने आया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।